नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन में हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोस्तों स्नेहा फाउंडेशन ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप जैसे कि नाम डालते हैं स्नेहा फाउंडेशन प्लस जैसे कि नाम डाल के सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐप ऑलरेडी मेरे पास पहले से डाउनलोड है, यहाँ पे इंस्टॉल है, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज जैसा कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले लॉगिन का, यदि आपकी आईडी पहले से बन चुकी हो तो यदि आपके पास आईडी पासवर्ड हो पास में हो तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। यदि आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने आए तो जस्ट बगल में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उस पर टिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो है स्पॉन्सर आईडी की। दोस्तों स्पॉन्सर आईडी वो होती है कि जिस व्यक्ति ने आपको रेफ़र किया है, जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, तो उनका स्पॉन्सर आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो डिटेल्स मंगाई हुई थी मैंने व्हाट्सअप में मंगाई हुई थी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर कॉपी करूँगा और स्पॉन्सर आईडी की जगह स्पॉन्सर आईडी डाल दूँगा। तो जैसे मैं स्पॉन्सर आईडी डालूंगा तो किसी के डाउन पे हम आईडी लगा रहे हैं उनका नाम क्लियर होके आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। दोस्तों यहाँ पे जिस व्यक्ति की आईडी लगानी हो उनकी डिटेल डालनी है। यदि आपको अपनी आईडी लगानी हो तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल दीजिए। जैसे कि आप नाम दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी अपनी डाल दी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ रहा है ई पिन का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर हमेशा पेड आईडी लगती है। तो इसके लिए जो आप एक नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ई पिन का, दोस्तों ई पिन वो होता है जब आप कंपनी में 1000 रुपये पेड करते हैं या अपने स्पॉन्सर को 1000 रुपये पेड करते हैं तो वह आपको एक ई पिन या पासकोड कह सकते हैं कि वह आपको पासकोड देता है। तो जैसे आप ई पिन यहाँ पर डालते हैं तो ई पिन मैंने दोस्तों पहले से ही यहाँ पर 1000 रुपये पेड करके मैंने मंगा के रखी थी। तो मैंने यहाँ से ई पिन कॉपी किया और दोस्तों कॉपी करने के बाद ई पिन की जगह मैं ई पिन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं यहाँ पे ई पिन पेस्ट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको स्वयं बनाना होता है जो आप अच्छे से याद रह सकते हैं। पासवर्ड ऐसा बनाना होता है ताकि आप भूलें नहीं। तो मैंने सिंपल तरीके से अभी पासवर्ड मैं बना लेता हूँ, बाद में ये पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है क्योंकि दोस्तों ये जब आईडी बनेगी तो आपका पासवर्ड बन के नहीं आएगा, ओनली आईडी बन के आएगी। तो मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है ताकि मेरे को पासवर्ड मैं यदि इन फ्यूचर भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकूँ। इसके बाद सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन पर टिक कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आएगा, देख यहाँ पर आईडी बन चुकी है और इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आता है। और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके उस व्यक्ति को भेज देते हैं जिस व्यक्ति की आपने आईडी बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल प्रोसेस सिंपल है कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे आईडी बनाई है। और मैं आपको बता दूँ कि किसी व्यक्ति की आईडी बनाते हैं तो वह आईडी आपके फ़ोन में ही लॉगिन हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे उनकी आईडी आप लॉगआउट कर सकते हैं तो फिर भी आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं ना दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे आईडी लगाना बिल्कुल इजी है। तो न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन से लेके और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।